हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगिंग स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। वेल, इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं जो बच्चों को लेके बहुत ज्यादा क्वेरीज रहता है, दैट स्टॉक रिजर्व। सर, स्टॉक रिजर्व हर चैप्टर में आता है, चाहे हायर परचेस कर रहे हो, चाहे डिपार्टमेंटल अकाउंट कर रहे हो, चाहे ब्रांच अकाउंट कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे कंसाइनमेंट कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में स्टॉक रिजर्व का डिटेल आता है। मैंने ये वीडियो 5 से 6 साल पहले लगभग बनाया था, बट उस समय टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था यार। तो बट आज बिकॉज वी हैव गिफ्टेड विथ वेरियस टेक्नोलॉजीज, तो इस वीडियो को मैं और अच्छे से लेके आया हूँ। कंसेप्ट वही है बट थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में है, और इस वीडियो का ड्यूरेशन मैं ट्राई करूंगा कि विद इन 15 मिनट्स में खत्म हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो, और उसके बाद देखो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टॉक रिजर्व विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, स्टॉक रिजर्व समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक कंपनी है एस लिमिटेड, उसके 2 डिपार्टमेंट है एम और पी, ठीक है सर। इन दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ यहाँ पे 1 तारीख को, एम का ओपनिंग स्टॉक और पी का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद कुछ परचेस दिया हुआ है एम का और पी का। उसके बाद कुछ खर्चा है एम का भी और पी का भी, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्लोजिंग स्टॉक एम का 18,000 है और पी का 63,000 है। नेक्स्ट बोला गया ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट पी, जो डिपार्टमेंट एम है ना वो डिपार्टमेंट पी को ट्रांसफर कर रहा है 6,000 रुपया, ठीक है। और कुछ अगर नहीं बोलेगा तो अपने यही समझेंगे कि एम जो है ना वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है। किस प्राइस में सर? सेलिंग प्राइस में। आप एक बात समझो यार, देखो एक ही कंपनी है, उसके 2 डिपार्टमेंट है, तो भैया एक कंपनी जब दूसरे एक कंपनी का एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है तो भाई उसको तो कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो एक ही है। बट नहीं, ये लोग क्वेश्चन में जान पूछ के बोलेंगे, हमको सताएंगे कि नहीं यार, एम जब पी को ट्रांसफर कर रहा है ना तो वो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर नहीं करके सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर कर रहा है। ये भी पॉइंट होता है सर स्टॉक रिजर्व खोजने का। आप एक चीज समझो क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं मान लो इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाता, क्या बनाता? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास 2 डिपार्टमेंट होता, राइट, एक एम होता और एक पी होता, इजंट इट। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता उसमें एक एम का होता और एक पी का होता, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसमें मैं यहाँ पे कुछ एम का ओपनिंग स्टॉक लिखता, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ दोनों का परचेजेस लिख देता, राइट, यहाँ पे कुछ एम का परचेज और कुछ पी का परचेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वेजेस हो सकता है वो लिखता, यहाँ पे मैं सेल्स लिखता, और यहाँ पे मैं लिखता बाई क्लोजिंग स्टॉक, राइट, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं विथ फिगर्स। क्लोजिंग स्टॉक आप देखो एम का है 18,000 और पी का क्लोजिंग स्टॉक है 63,000, इजंट इट। आप एक बात समझो, जब एम पी को ट्रांसफर कर रहा है, यहां पे देखो सर, एम ने पी को ट्रांसफर किया 6,000 रुपया का सामान, तो कहीं ना कहीं वो एम का सेल बन गया, राइट। तो एम के यहां पे लिखने वाला हूं मैं 6,000 बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और पी के लिए वो परचेज बन जा रहा है, राइट, तो पी के यहां पे लिखने वाला हूं मैं 2 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 6,000। जब एम पी को दे रहा है तो एम के लिए सेल बन गया तो क्रेडिट हो गया, और पी के लिए परचेज बन गया तो डेबिट हो गया। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो पता है? इससे प्रॉब्लम हुआ कि जो पी का स्टॉक है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा पे वैल्यू हो गया, क्योंकि आप बात समझो, स्टॉक रिजर्व कब हो रहा है? जब एम ने पी को सामान दिया और एम ने पी को वही सामान थोड़ा ज्यादा वैल्यू में दे दिया, इसका मतलब पी का जो बचा हुआ माल है वो भी ज्यादा पे वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब पूरा का पूरा गड़बड़ यहां पे है सर, पी का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ हो जा रहा है उससे, पी का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ हो जा रहा है, पी का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू हो गया होगा, क्योंकि पी ने जब एम से लिया कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिया, सेलिंग प्राइस पे लिया, तो पी का स्टॉक ज्यादा वैल्यू हो गया। तो अपने को यही चेक करना है सर, पी का स्टॉक कितना ज्यादा वैल्यू हो गया, क्योंकि अगर पी का स्टॉक वैल्यू ज्यादा हो गया ना तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना सर वो भी पी का ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, और अगर पी का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा वैल्यू होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरे को यही ठीक करना है सर कि पी का स्टॉक को कैसे कम कर दूं, पी का कितना ज्यादा वैल्यू स्टॉक जो है वो ज्यादा पे वैल्यू हो गया। तो सर इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज चेक करो, क्या चेक करो सर, यहां पे बोला गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एम टू डिपार्टमेंट पी एट
कॉस्ट प्लस 25%। भाई जब एमपी को दे रहे हैं ना, तो वो अपना कॉस्ट से, वो नालायक अपना कॉस्ट से 25% ज्यादा में दे रहा है। क्या जरूरत थी भाई तेरे को देने की? अगर ये नहीं देता तो डेफिनेटली कॉस्ट में वैल्यू होता पी का स्टॉक, बट नहीं, यहाँ पे वो कॉस्ट से ज्यादा में वैल्यू कर रहा है। यस और नो? कॉस्ट प्लस 25% पे दे रहा है। तो आप चेक एक चीज समझो, इसमें गड़बड़ हो गया पी का क्लोजिंग स्टॉक, राइट? पी का क्लोजिंग स्टॉक 63,000 है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि ये किस पे वैल्यू है सर? ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस पे। तो अब मेरे को उसको ठीक करना है। अब लाइन क्या बोला है देखो, एम जो है पी को कॉस्ट प्लस 25% पे देता है। तो एक काम करते हैं ना सर, यहां पे तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो मार्जिन दिया हुआ है ना, वो कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पे 25% लगा दूंगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और मार्जिन तो 25% कॉस्ट पे है। तो जब भी ऐसा रहे ना, आप क्या करो, एकदम सिंपल सा रामबाण इलाज है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। आप कॉस्ट प्राइस को एक्स पकड़ लो। तो अब अपने को पता है सर, कॉस्ट पे 25% इसका प्रॉफिट है, राइट? तो इसका मतलब ये प्रॉफिट आ जाएगा x बाई फोर, काटेगा ना 25 वन जाओ 25 फोर जाओ, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब अपने को पता है अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ देते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। सर मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट x है और प्रॉफिट x बाई फोर है, और मेरा स्टॉक का सेलिंग प्राइस 63,000 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सर, x प्लस एक्स बाई फोर इक्वल टू 63,000 है ना, अपने यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं सर, x प्लस एक्स बाई फोर इक्वल टू 63,000। तो एलसीएम अगर ले लूं मैं 4, तो देर फोर 4x प्लस एक्स इक्वल टू 63,000, राइट? तो देर फोर 5x बाई फोर इक्वल टू 63,000। सो x का वैल्यू आ जाएगा 63,000 इंटू 4/5, राइट? ऐसा करने से एक बार चेक कर लेते सर क्या वैल्यू आ रहा है। 63,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 50,400, राइट? तो इसका मतलब आप बात समझो सर, जो स्टॉक का दाम 50,400 होना चाहिए था, वो वैल्यू हो गया 63,000 पे, जिसका मतलब मेरा सर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा बढ़ गया, एरो दिखा रहा हूं ऊपर का, मतलब एक्स्ट्रा ग्रॉस प्रॉफिट, वो हो गया 63,000 माइनस 50,400। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ आ गया, 63,000 माइनस 50,400, जो कि आ रहा है 12,600, राइट? तो ये मेरा आ गया स्टॉक रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व निकल गया बहुत आसानी से सर। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत समझ में आया होगा, अगर ये कॉस्ट पे दिया हुआ रहता तो, ठीक है? अच्छा, अभी मैं चीज और क्लियर कर दूं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि मान लो पी का जितना भी स्टॉक है वो पूरा एम से नहीं है, पी का जो स्टॉक है सर, उसमें से मान लेते हैं 30% जो स्टॉक है वही सिर्फ एम का बचा हुआ है। इसका मतलब सर, पी का पूरा जो 63,000 दिख रहा है ना आपको, ये पूरा 63,000 एम से नहीं है। तो आपको जरा माइनर सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है बताता हूं। देखो, मान लो हमने पी का क्लोजिंग स्टॉक पहले लिया था 63,000, मगर अब क्वेश्चन बोला अरे भाई पी का पूरा क्लोजिंग स्टॉक इस पे वैल्यू नहीं है, एम से नहीं आया हुआ है। तो आप एक बार चेक कर लो प्रोपोर्शनेट कितना एम से बचा हुआ है, प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो उसके लिए मैंने भी जस्ट बोला कि मान लो 30% जो है ना वही खाली स्टॉक बचा हुआ जो एम से है, तो इसका मतलब बाकी सब तो नॉर्मल प्राइस पे आया होगा। तो 63,000 का 30% ले लेते सर 18,900, राइट? ये स्टॉक जो है मेरा, यही सिर्फ एक्स्ट्रा पे वैल्यू हो गया। अब आपका सेम इक्वेशन रहेगा सर, कॉस्ट प्राइस एक्स है, उस पे मार्जिन मेरा आया हुई था एक्स बाई फोर, और ये आ गया सर 18,900। इसका एलसीएम लोगे जब आप, तो 5x by 4 equal to 18,900, तो इसे आसानी से सर हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 18,900 into 4 divided by 5, right? 18,000 into 4 divided by 5, ये आ गया सर 15,120, right? तो इसका मतलब सर, मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन हो के रखा था 18,900 minus कॉस्ट प्राइस उसका बन रहा था 15,120। तो इससे आसानी से सर हमने स्टॉक रिजर्व निकाल लिया, जो कि आ रहा है सर 3780। ये मेरा आ गया सर स्टॉक रिजर्व, राइट? ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट यहां पे मार्जिन उन्होंने दे के रखा था कॉस्ट पे, राइट? मार्जिन उन्होंने दे के रखा था किस पे? कॉस्ट पे, राइट?
बट अब अगर मैं आपको दूसरा केस पे लेके चलूं, देखो सेम डेटा है, डेटा पूरा सेम है, बट यहां पे बोला इस बार एम जब पी को दे रहा है ना तो सेल पे ही दे रहा है 25%। एम जब पी को ट्रांसफर कर रहा है तो अपने सेल का ही 25% पे दे रहा है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। सर यहां पे आप क्या करो, पी का क्लोजिंग स्टॉक एक बार मान लो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक वहीं से था, तो आप क्या करो 63,000 पूरा लिख लो, इसमें कोई प्रोपोर्शनल तो लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बोला अज्यूम कर लो पूरा वहीं से, तो देयरफॉर 63,000 का फ्लैट 25% लगा दो ना, क्योंकि ये जो वैल्यू ये सेल प्राइस पे यानी ट्रांसफर प्राइस पे राइट, या फिर मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, अगर ये सब वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब ये सेल प्राइस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास मार्जिन सेल पे ही था, यहाँ पे चेक करो आप मार्जिन जो था वो सेल पे ही था, तो सीधा आप 63,000 का 25% लगा दो सर, 63,000 इंटू 25/100 ये ही मेरा डायरेक्ट स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, 63,000 इंटू 25/100 दिस इज अमाउंटिंग टू 15,750। सो इजी सर, अगर आपको सीधा सेल पे दे दिया और आपको सीधा बोल दिया कि गुड जो सेल प्राइस पे दिया जा रहा है और मार्जिन भी सेल पे है तो सीधा परसेंटेज लगा दो, बट नहीं अगर मार्जिन उन्होंने कॉस्ट पे बोला है तो मैंने जैसे एक्स लिया वैसे कर लो, इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा ठीक है। तो और अगर इसी समय बोल देता मान लो नहीं यार एम का खाली और खाली 10% स्टॉक जो है ना वही खाली पी के पास बचा हुआ है, तो अब क्या करते सर, आप ये करते पहले 63,000 का आप 10% निकाल लेते जो कि आता 6300 यस और नो, अब इस पे आप क्या करते 6300 पे आप जो मार्जिन बोला है वो लगा दो, दैट इज 25% राइट। तो इससे करने से क्या होगा सर, आपका स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा जो क्या आएगा 1575 ठीक है। तो इन दिस वे आपको बस एक चीज ध्यान रखना है सर कि अगर मार्जिन कॉस्ट पे बोला है तो एक्स ले लो, अगर मार्जिन सीधा सेल प्राइस पे बोला है तो वही परसेंटेज पुट कर दो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला होगा ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाएगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, अपनी क्वेरीज को इसमें लिख दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, भले ही एक दो घंटा के बाद मिले बट डेफिनेटली आई अश्योर यू कि रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आई होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो ठीक है, थैंक यू सो मच।